नमस्कार, राजनीति गलियारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी बहनियाँ और इस वक्त दीपक मौजूद हैं जो मेन के मेन खिलाड़ी हैं। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद है। और मेरे सहयोगी को हमेशा आप देखते हैं, ऋतिक मेरे साथ मौजूद है। और ये अडानी जी भी बहुत ज़्यादा खबरें कर रहे हैं, तो हकीकत इनसे समझेंगे कि दरअसल वाकई में घोटाला भी हुआ है या सिर्फ गोल गोल घुमा ही रहे हैं। और आरजे के खिलाड़ी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, सहयोगी कपिल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कपिल शर्मा की तरह भी कभी कभी इंटरटेनमेंट करते हैं, और एक तरफ मौलाना साहब, इनका नाम बहुत लंबा है इसलिए छोटा सा ही लेते हैं, अबरारू। हाँ, ऋतिक बताएंगे। इनका नाम है अबरारुल हक रहमानी। हाँ, एक्चुअल में अबरारुल हक रहमानी कहते हैं, लेकिन मजाक से कभी कभी हम लोग कहते हैं। चलिए, सबसे पहले दीपक से शुरुआत कर रहे हैं। दीपक, जिस तरीके से अडानी का पूरा मामला आया, आज भी कोर्ट का मसला आ गया, हालांकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसको जो है पारदर्शिता से जाँच होनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है। सच का पता कैसे लगेगा? देखिए, सच का पता कुछ इस तरीके से लगेगा, जिस कंपनियों ने इनको इन्वेस्ट किया था, यानी कि पैसे दिए थे, ब्याज पर दिए चाहे भरोसे पर दिए, वो उन पर जांच होनी चाहिए। जैसे कि SBI की बात कर लें या LIC की बात कर लें, उनका नाम सबसे पहले उठा था, तो उन पर जांच होनी चाहिए, उनके इन्वेस्टमेंट पर जांच होनी चाहिए कि अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर, क्या वादों को बातों को ध्यान में रखकर किया है। क्योंकि ऐसे हमने पहले भी कई बार देखा है, कई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने पैसा उठाया, बिजनेस नहीं चला, ठप पड़ गया, तो विदेश चले गए और उनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल हुआ। तो वही बात यहाँ पर गौतम अडानी पर आती है। सबसे अच्छी बात यह, गौतम अडानी भागे नहीं है, कोर्ट की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जानना चाहेंगे, ऐसा क्या था जिससे कि अरबों का नुकसान उनका हो गया एकदम से। लेकिन दीपक, ऋतिक ये कह रहे हैं कि हिडन अडानी जी भागे नहीं, और नामों का लिस्ट देखेंगे दीपक तो बहुत सारे जो भाग गए, और मोदी जी के राज में था कि आ जाएंगे भाई, 56 इंच के सीना है, बहादुर हैं। लेकिन मोदी जी कम से कम इस पर जाँच क्यों नहीं करवा लेते हैं? अगर पैसा इतना बड़ा मामला हुआ, इसके बाद मोदी जी जाँच क्यों नहीं करवा लेते? देखिए, रही भागने की बात, तो गौतम अडानी अमीर पतियों में तीसरे नंबर पर रहे हैं, भागेंगे नहीं, लगातार जो है सुर्खियों में रहते हैं। सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि देश के प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं? अडानी नहीं भाग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। आपने सदन में स्पीच देखी होगी कि 3 घंटे लगातार बोलते हैं मोदी अडानी भाई भाग रहे हैं, उनको चुनाव भी तो देखना है। बिल्कुल, 2024 नज़दीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगते रहे, इसके बावजूद भी देखा गया कि चुप्पी नहीं तोड़ी। ये कहा जा रहा है कि मोटा भाई को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपके अडानी भाई नहीं है तो JPC जाँच करवा लीजिए। देखिए, विपक्ष सबूतों के साथ पेश किया गया है। आप देखिए, राहुल गांधी का मैं जिक्र करूँ, राहुल गांधी को पप्पू इन्होंने कहा है, वही राहुल गांधी संसद में पहुंचते हैं, तमाम सबूत दिखा देते हैं, जेट में कैसे बैठे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, तमाम चीजें। तो कहीं ना कहीं आज गौतम अडानी तो नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जरूर भाग रहे हैं। कपिल, एक सवाल तो है ना, ये जो डर का माहौल है, देखिए अडानी मामले में तो अभी खुल के बात करेंगे, वाकई में मोदी जी से लोग डर रहे हैं या अडानी जी से डर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जहां तक डर की बात है, तो मोदी जी अडानी से किससे, मतलब मोदी से डर रहे हैं, अडानी से लग रहे हैं डर रहे हैं, ये इससे ज्यादा चर्चा का विषय ये है कि आखिर लगातार सरकार की नाक के नीचे इतनी तमाम चीजें होती हैं, और फिर बाद में यही कहा जाता है कि जांच की जाएगी। तो आखिर अगर हम तमाम तरह की जांच करते रहेंगे और बस यही इंतजार करते रहेंगे कि अब उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, तो ऐसे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अडानी हैं, अब उसके बाद कोई और बिजनेसमैन आ जाता है तो आम आदमी के साथ क्यों नहीं होता। मान लीजिए कि मैंने 20 लाख का लोन लिया और मैं नहीं चुका पाता, तो फाइनेंस मिनिस्टर आके कह दे कि 20 लाख का लोन नहीं चुका पा रहे, इनको माफ कर देते हैं। ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही हैं, और करोड़ों रुपए, यानी कि 21,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट जो कहा जा रहा है कि बतौर लोन के तौर पर दिया गया है, तो आप ये देखिए कि ये अमाउंट कितना बड़ा, अगर ये जनता के हित में लगाया जाएगा तो पूरा देश बदल जाएगा। एटलीस्ट जो गरीबी रेखा के नीचे जो 80 लाख का दावा करती हैं कि हमने गरीबों को राशन दिया है, उनको राशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, जांच की बात मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में 10 फरवरी को मामला गया, 13 फरवरी को मामला गया, आज 17 फरवरी, आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अब कहा जा रहा है कि 21 फरवरी को होगी। मतलब ये जांच के, जैसा कि कपिल ने बताया कि जांच होती रहती है, जांच होगी कब? सुप्रीम कोर्ट खुद कुछ नहीं बोलने के लिए यहाँ पर देखा जाए 2024 के इलेक्शन के बाद तो होगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा है वो गरीबों का है, निवेशकों का है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान दे रहा है। सब लोगों से ये समझना चाह रहा हूँ दरअसल कि वो मैं बाद में बताऊँ, लेकिन अबरार का पहले रुख कर लेता हूँ। अबरार, डर का माहौल क्यों है? मोदी जी के खिलाफ लोग बोलने से डर रहे हैं, अडानी मामले में बोलने से डर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज डर रहे हैं, भाई आखिर क्यों, ये डर का माहौल क्यों? ये डर का माहौल लगातार 2014 के बाद से निरंतर जो है बनाया गया है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम संस्थाओं पर लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, ED का, CBI का, देखिए जो BBC के दफ्तर पर छापेमारी की, हालांकि उसको सर्वे का नाम दिया जा रहा है, लेकिन शब्दों का हेर फेर आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से विदेशी मीडिया की प्रतिक्रिया आ रही है, तो कहीं ना कहीं देश की छवि जो धूमिल हो रही है। और जहाँ तक
इस पूरे मुद्दे पर, अडानी वाले मुद्दे पर, जिस तरीके से राहुल गांधी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में जो है संसद में आवाज़ उठाते, लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि विपक्ष के और बड़े नेता जो इस पूरे मुद्दे पर उस तरीके से उनका साथ नहीं दे रहे। आप देखिए कि मायावती से लेकर अखिलेश यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता अगर इस पूरे मुद्दे पर नहीं बोल रही है तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी अकेले अपने दम पर उतनी मजबूती से उस पूरे पक्ष को नहीं रख पाएंगे। जेपीसी की मांग की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है, लेकिन दूसरे पार्टी के नेता जो है विपक्ष के वो नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर मैं मान रहा हूँ इस पूरे मुद्दे। देखिए अभी जिस तरीके से अबरार या फिर दीपक या कपिल या ऋतिक तमाम लोगों ने बातें रखी, देखिए एक चीज तो आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट टू पॉइंट जैसे हम सवाल पूछ रहे जवाब, ये मोदी सरकार में क्यों नहीं मिल पा रहा दीपक? आप पूछेंगे आम, वो जवाब देंगे इमली। ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों कि सरकार से सवाल आप कुछ भी पूछेंगे वो गोल गोल जो घुमाते हैं, इसकी एग्जैक्ट वजह क्या हो सकती है? देखिए यही सवाल था क्योंकि सदन में जब ये सवाल किया गया, तस्वीर दिखाई गई, पोस्टरबाजी भी, धनखड़ पर सवाल खड़े कर दिए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो सवाल इतना सही था कि आखिर रिश्ता क्या है मोदी और अडानी का। उस रिश्ते को जानना चाहते थे, एक शब्द में भी ये भी कह सकते थे कि वो एक उद्योगपति है, हम एक प्रधानमंत्री, तो हम मिलाव जुलाव होता रहता, शिष्टाचार मुलाकात जैसे कह सकते हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे थे। उन्होंने अपने कामकाज गिनाया कि भारत देश आज इस मामले पर तीसरे नंबर पर, उस मामले पर दूसरे पर, उस मामले पर पहले पर, लेकिन वो अपनी कमियां नहीं गिना रहे कि अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही साथ सरकारी कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षाएं निकलती हैं वो लीक भी हो जाती है, कहीं तो ये आरोप लगा रहे कि जानबूझ कर लीक करा दिया जाता ताकि भर्ती ना हो सके, तो वो भी एक मुद्दा बनता है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि 2014 से पहले पीएम मोदी ये बात करते थे कि उद्योगपति हो गए, कई राजनेता ऐसे हो गए जिन्होंने अपना काला धन बाहर विदेशी बैंकों में जमा कर रखा, अगर वो सारा धन ले आए तो गरीब अमीर हो जाएगा और इतना अमीर हो जाएगा कि वो अपने दम से कहीं ना कहीं चल सकता है। लेकिन अब 2014 का बाद 2019 का चुनाव आया, 2019 के चुनाव के बाद अब 2024 का चुनाव आ रहा है, 9 से 10 साल ये सरकार को हो गए, लेकिन ऐसा कोई गरीब जो सामने आकर ये बोले कि हमको इतने करोड़ या इतने लाख अगर मिले हैं, जो वादे थे उन्हीं के वादों को याद दिला रहे हैं, जो वादे थे अगर वो सच्चाई है तो वो जनता के बीच रखें। रही बात अडानी के मामले की, तो पीएम मोदी सवाल किए जा रहे थे, राहुल गांधी जानना चाह रहे थे। राहुल गांधी पहले ये कहते थे कि सदन में पहले हमारे माइक ऑफ कर दिए जाते थे, हमको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे कि हमारा जो मामला था उसको पूरा नहीं दिखाया, काट पीट के दिखाया और कुछ अभद्र भाषा का। ये सब चीज़ें तो हम लोग हर दिन दिखाते ही रहते हैं, लगभग कम से कम गोदी मीडिया के तरफ तो नहीं लेकिन दिखाते तो जरूर रहते हैं। हाँ, मैं करना चाहूँगा, दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से तमाम बहसबाजी हो रही, तमाम बातें रखी जा रही, लेकिन ये बात तय है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को इस बात का डर अब सताने लगा है कि आने वाले समय में अगर लगातार इसी तरीके से जो इस तरीके से मुद्दे जो उठ रहे हैं तो उसको लेकर के डॉक्यूमेंट्री की बात मैं जोड़ दूँ इसमें, जिस तरीके से बीबीसी के दफ्तर पर छापा मारा गया, तो कहीं ना कहीं ये डर जो है वो दिखाता है, मोदी जी को डर लगा। बिल्कुल आप कह सकते हैं सत्ता खोने का डर जो है, मैं कह सकता हूँ कि एक तबका जो तैयार हो रहा है, और कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं जो आपके जानने में होंगे या आपके जानने में होंगे, वो आप ये कहते हैं किस डर की बात कर रहे हैं, मोदी जी कैसे डर जाएंगे भाई? डरते क्यों नहीं, डरेंगे क्यों नहीं? देखिए जनता सबको डरा सकती है, जनता मोदी को डरा सकती है, जनता अडानी को डरा सकती है, ये बात मुझे नहीं पच रहा, मोदी जी से कौन डर जाएगा? बिल्कुल, देखिए मोदी जी से कौन डर जाएगा। इसी बीच में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि मूड ऑफ नेशन का सर्वे आया है, उस सर्वे का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से 2019 के चुनाव में एनडीए को लगभग 350 के आसपास सीटें मिली थी और अब ये कहा जा रहा है कि उसमें 55 सीटें कम हो जाएंगी। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ अब्रार किससे, किस एंगल से कह रहे हैं कि मोदी जी डर रहे हैं। मैं जवाब देना चाहूंगा, राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। आप देखिए हर जगह हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व, ये शब्द आपने 2014 के पहले सुने, आपने कभी नहीं सुना होगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व भी कोई राजनीति में जो है एक मसला बन सकता है। विशुद्ध राजनीति लगातार देखी जा रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन लगातार देखा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए ना कि अडानी 2014 के पहले 609वें नंबर पर थे, लेकिन आप देखिए तीसरे नंबर पर मोदी जी क्यों डर जाएंगे? तो मोदी जी का डर इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर, मोदी जी का डर मैं बताऊँ साफ तौर पर, क्योंकि जनता जो है वोट डालती है, और मोदी का डर इसलिए कि अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप सामने आइए ना, आप जवाब दीजिए, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मोदी अडानी। मैं कहना चाहूंगा कि आप सोचिए कि आंकड़ों के लिहाज से अगर आप समझे इस पूरे मुद्दे को, मामले को, तो अभी बीजेपी और एनडीए के जो तमाम साथी दल थे उसमें से कितने लोगों ने एनडीए को छोड़ा है? नीतीश कुमार को देखिए बिहार की राजनीति में, वो एनडीए से अलग हो गए, और पिछली बार जो आप कह सकते हैं बिहार में जो 39 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली थी, जीत मिली थी, तो उसमें एक बड़ा योगदान नीतीश कुमार का था, क्षेत्रीय स्तर पर लोग उन्हीं को जानते थे। अगर बीजेपी के चेहरे की बात की जाए तो बिहार में कोई, दूसरी बात अकाली दल आप देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना देखिए, तो सीटों के लिहाज से एक बड़ा फैक्टर
बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। देखिए बीजेपी को अकेले 2019 में 303 सीटें मिल गई थी, तो उन्हें बहुमत किसी गठबंधन की जरूरत नहीं थी। एनडीए को 303 अकेले बीजेपी ने निकाल ली थी, 272 जीत के लिए चाहिए होता तो बीजेपी वहां पर भी जीत रही थी। और कुछ सर्वे यह भी कह रहे हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी जीत सकते अगर आज चुनाव हो जाए, लेकिन अगर अडानी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो शायद ये मुद्दा ये फिर से फ्लॉप हो जाएगा, जो मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे राहुल। मैं समझना भी चाह रहा हूँ आप तमाम लोग, देखिए मैं दरअसल राय नहीं समझना चाह रहा, पर्सनल ओपिनियन समझना चाह रहा हूँ। बोलने से डरना नहीं है, मोदी से पूरा हिंदुस्तान डर रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अडानी मामले में मेरा मसला ये है, दरअसल मैं अपना बता दूँ ताकि आप लोग भी खुल के बोल पाएं। मुझे लगता है कि भैया 2024 में मोदी जी को जीतना है, इसलिए अडानी जी को बचाया जा रहा है। खुल के मैं बोल रहा हूँ, उनके पास पैसा है, बहुत बड़े आदमी हैं, अब उनके यहाँ से आएगा पैसा तभी तो फिर चुनाव रैलियाँ होंगी तमाम चीज़ें। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हमारे देश को जो है अडानी पैसा कैसे, अच्छा दीपक कह रहे हैं पैसा डूब रहा है, भाई निर्मला सीतारमन जी अभी इन्होंने कहाँ कह रही है डूब रही है, स्मृति ईरानी जी पूरा ताकत लगा रही है। देखिए सरकार जो है वो जब सत्ता में बनी हुई है तो वो यही कहेगी कि देखिए कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि SBI और LIC जो है तमाम ये संस्थाएं दावा कर रही हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, इनकी मजबूरी है। क्योंकि फिर आप जानते हैं कि अगर ये लोग मना करेंगे तो फिर CBI ED बहुत सारे जो है वो जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं उनका शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ मजबूरी हो जाती है। तमाम मुद्दे निजीकरण का मुद्दा सामने आ जाएगा, बैंकों का विलय कर दिया जाएगा, अभी बहुत सरकारी संपत्ति ऐसी है जो बेचनी बाकी रह गई, बहुत संपत्ति है। बड़ा खुलासा हुआ ना एक तरफ से। दीपक आपको क्या लगता है, अगर अगर सारी बात यही है कि अडानी मोदी के रिश्ते को जनता समझ रही है तो वो वोट डालेगी, अगर वोट में इस बार उनका ओपिनियन कुछ अच्छा होगा तो विपक्ष को भी उस लिहाज से मजबूत होना होगा। क्योंकि अगर मोदी को हटाने की हम बात कर रहे हैं तो सामने खड़ा कौन है उसको भी देखना जरूरी है कि राहुल गांधी अगर उतने मजबूत नजर आ रहे हैं कि नहीं। अगर राहुल मजबूत है तो उनके साथ कितने नेता नजर आ रहे हैं, जैसे PM मोदी का समर्थन नीतीश ने किया एक समय पर, शरद पवार भी खुला समर्थन तो नहीं लेकिन भारी समर्थन कर रहे थे, उद्धव ठाकरे थे और बहुत सारे समर्थन मिला था, लेकिन राहुल ये सवाल का जवाब कौन देगा। बाकी सही तो कह रहा दीपक कि भाई मोदी जी मान लेते डर गए, आप जैसे कह के डर गए, लेकिन इसके अगर अपोजिट में देखे तो कोई होना भी तो चाहिए इनके तरह शेर। अभी जिस तरीके से जो है बीजेपी की ताकत को जो है ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर ये है कि विपक्ष भी कमज़ोर है, उसका बड़ा कारण ये भी है कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है। अब देखिए ममता बनर्जी सोनिया गांधी के नेतृत्व में नहीं चलना चाहती, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में नहीं चलना चाहती, जो है जो आपके तेलंगाना में जिस तरीके से जो है भारत राष्ट्रीय समिति की एक महारैली होती है, अखिलेश यादव वहाँ पहुँचते, अरविंद केजरीवाल वहाँ पहुँचते, तो विपक्ष बट रहा है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष बटेगा तो उसको सत्ता पक्ष का फायदा पहुंचेगा इस पूरे मामले का। और साथ ही आप देखिए कि बीजेपी आप देखिए जहां तक अडानी और इस पूरे मुद्दे को लेकर भ्रष्टाचार, एक मैं पूरा कंप्लीट कर लूं, भ्रष्टाचार और जहां तक शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हम चर्चा करते हैं तो वोट बैंक जो है बीजेपी का, दरअसल वो इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को वोट ही नहीं करता। क्लोजिंग टाइम में एक आखिरी सवाल जो सबसे अहम है क्लोजिंग टाइम में, सवाल ये है मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत कौन बताएगा, सिर्फ 30 सेकंड आप लोगों के लिए। देखिए मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत दो ही चीज़ है, पहला है पैसा और दूसरा है जिस तरीके से उन्हें जन समर्थन मिला था, हालांकि ये कमजोरी भी बन सकती है, लेकिन सीटों के लिहाज से उन्हें उनको पूरा समर्थन था, यानी कि उन्हें किसी दल की जरूरत नहीं है, पूरा उनको बहुमत मिला था। और आज के तौर पर अगर हम देखें तो ये बड़ी कमजोरी बन सकता है, क्योंकि अगर जनता उन्हें वोट नहीं देती तो ये बिल्कुल एंटी चला जाएगा। मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत यहाँ पर कह सकते हैं उनका माइंडसेट है, क्योंकि 2014 से पहले तो अडानी उनका साथ नहीं दे रहे थे, 2014 में सरकार बनी, फिर उसके बाद अगर अडानी आगे बढ़े तो बात की बात है, लेकिन 2014 में तो अपने दम से आए थे, तो उनका माइंडसेट है जो आज भी कहां पर बोलना है और बोलना ही नहीं बाल की खाल निकालने और कहां पर बिल्कुल चुप रहना उनसे कोई सीखे, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर चुप्पी साधी और जिस मामले पर उन्हें घेरना है, किस मामले पर विपक्ष घेरना है, उस मामले को वो बहुत अच्छे से उठाते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी मुझे लगता है कि चाणक्य नीति उनकी जो कही जाती है वो सबसे बड़ी ताकत है अमित शाह, और सबसे बड़ी बात जनता को वो जो है समर्थन करते रहते, जनता के साथ खड़े रहते हैं, तो जनता और चाणक्य नीति उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अबरार सबसे बड़ी मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि प्रचार प्रसार का एक बड़ा तंत्र जो है वो अपने हाथों में है उनके, और उन्हीं तंत्रों के हिसाब से लगातार मुद्दों को बढ़ाना उठाना, धार्मिक जैसे मुद्दों को, और उसको कहीं ना कहीं जो दबाने की कोशिश करना, तो मैं कुल मिलाकर के कहूँगा कि प्रचार प्रसार का जो एक बड़ा तंत्र है वो इसका बड़ा कारण है कि बीजेपी लगातार इतनी ज्यादा गलती को करने के बावजूद भी सत्ता में इतनी मजबूती के साथ आपको इस वक्त देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो आपने सभी हमारे जो सहयोगी हैं इन लोगों का आपने राय तो देखा ही, और इसमें एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि मोदी जी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो विपक्ष की कमजोरी नहीं है, मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत आज गोदी मीडिया है, क्योंकि गोदी मीडिया उनको बचाने में
पूरा दिन रात लगाया हुआ, यही वजह है कि आज वो मुद्दों से बच जा रहे हैं और सवाल नहीं पूछा जा रहा है। बहरहाल जो 15 लाख का एक सपना था, 15 रुपया तो लोगों को मिला नहीं है, शायद हम सब पांचों को भी नहीं मिला होगा। बहरहाल आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा राजनीतिक गलियारे में, अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज़।